हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल दिवारन ब्लॉग्स में। और बहुत दिन बाद लाइव आ रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पाव लाने। अभी रात के 8 बज रहा है, तो भाजी बना दी हूँ मैं और जा रही हूँ पाव लाने। और आज है शरद पूर्णिमा, तो शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज के दिन खीर बनता है और खीर बना के फिर चांद के सामने रखते हैं। तो मैं भी खीर बनाऊंगी। अभी अभी खीर बनाई नहीं, बस भाजी बनाई हूँ। आ रही हूँ पाव लेकर, उसके बाद फिर खीर बनाऊंगी और फिर छत पे जाऊंगी, रखूंगी चांद के सामने। और फिर रख के ना हटा लेना है। रीजन ये है कि आज रात में 1:30 बजे से ऐसे कुछ ग्रहण लग रहा है, पूर्णिमा है ना, तो चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इसीलिए रात भर चंद्रमा के सामने खीर नहीं रखना है, उसमें उसको हटा लेना है। थोड़ी देर रख के फिर हटा लेना है, अंदर रख लेना है। और उसमें तुलसी पत्ता जरूर डालना है। तो मैं तुलसी पत्ता रख ली हूँ तोड़ के। तो चलो जा रही हूँ अभी पाव लाने। पाव लेकर आऊँगी, उसके बाद खीर बनाऊँगी। बहुत अच्छा लग रहा है। और रात के 8 बज रहा है। करवा चौथ आने वाला है, 1 नवंबर को है करवा चौथ। तो उस दिन भी ब्लॉग आएगा, तो आप लोग देखना। और आज जा रहे हैं अभी नीचे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अभी रात के 8 बज गया है। तो जल्दी से लेकर आ जाते हैं पाव, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। तो चलो मिलते हैं। तो अभी आ गए हम लोग मार्केट, और जैसे ही आए तो पाव आया नहीं था, ख़त्म हो गया था जो दिन में पाव आया था। तो अभी शाम को फिर पाव आया, और कितना लोग खड़ा है पाव लेने के लिए। देखो आज कोजागिरी है ना, शरद पूर्णिमा, तो बहुत कम लोग खाना बनाते हैं घर में। सब लोग मतलब ऐसे ही पाव भाजी बना लेते हैं, फिर खीर भी बनाना रहता है ना। तो इधर चांद के सामने छत पे खीर बनाते हैं लोग, तो इसीलिए पाव ख़त्म हो गया पूरा। और इधर आर्यन अपना खा रहा है ये चॉकलेट बॉल। तो ये देखो चांद भी निकल आया है, कितना अच्छा चांद लग रहा है बाहर से। ये देखो एकदम इतना अच्छा चांद लग रहा है। तो चलो अभी जाएंगे घर, घर जाके मिलते हैं आप लोग से। पाव लेकर, ये देखो पाव। तो अभी आगे जा रहे हैं घर, घर जाके फिर मिलते हैं आप लोग से। इधर लाइट है तो अच्छा आ रहा है। तो आर्यन ऊपर चला गया और मैं अभी जा रही हूँ। तो चलो घर जाके मिलते हैं। चलो मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से। जब खीर बना लेती हूँ उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो यहाँ देखो खीर बन के रेडी हो गई है, यहाँ खीर बना ली हूँ मैं। जब खीर बनाई तो वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल चार्ज में लगाई थी, और यहाँ खीर बना दी। तो ये देखो
तुलसी पत्ता नहीं मिला मुझे, तो रखी थी तोड़ के उनका फूल, तो वही डाल दी उसमें। और फिर खीर भी बहुत अच्छे से बन गया है, और मिट्टी का बर्तन में ले ली हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखो। तो अभी जाएंगे छत पे लेके। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम लोग छत पे, खीर बन गई है देखो, खीर बन के रेडी हो गई है, और अभी जा रहे हैं छत पे। पंखा बंद करो, पंखा बंद कर दो, लाइट रहने दो। तो ये देखो बस जा रहे हैं अभी शाम को भी खाने। रुको एक मिनट, बंद कर दो, बंद करो। तो अभी आ गए हम लोग ऊपर, और आप लोग को चांद दिखाती हूँ मैं। पहले इसको ढक दी हूँ मैं, तो छन्नी से ढकते हैं आज। और ये देखो चांद एकदम गोल आया है, उसके पास में एक तारा भी है छोटा सा, तो बहुत अच्छा चांद निकला है। तो अभी आगे चांद बहुत मुश्किल से दिखा, पतरा है ना ऊपर, तो दिख ही नहीं रहा था चांद, तो बहुत बहुत मुश्किल से दिखा। तो अभी घर आ गए हम लोग, चलो आ रही हूँ, खोलो तो चाबी लो। हाँ चाबी निकालो, खोलो। तो बस अभी जाएंगे, और तुलसी पत्ता इसमें डाल दी हूँ, तुलसी पत्ता नहीं मिला उनका, वो फूल मिला वही रखी थी मैं, तो डाल दी हूँ, तो ऐसे कुछ दोष नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुलसी पत्ता है इसमें, और ग्रहण भी लग रहा है अभी, तो चांद पूरा एकदम साफ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन रात में 1:30 बजे से ग्रहण है। तो मैं लेकर आ गई, क्योंकि रात भर छोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि ग्रहण चल रहा है, इसीलिए मैं चांद को दिखा के अभी फिर आ गई। अच्छा चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।